राहुल द्रविड़ फिर से एक बार हेड कोच बनने वाले हैं। जी हाँ, चौंकिए मत, टीम इंडिया के हेड कोच की बात नहीं हो रही है, वो तो ऑलरेडी गौतम गंभीर बन चुके हैं। लेकिन राहुल द्रविड़, जो कि T20 वर्ल्ड कप जीतने के साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच के पद से विदा हो गए हैं, फिर से एक बार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि वो एक टीम के साथ जुड़ सकते हैं, पोजीशन फिर से एक बार हेड कोच की होने वाली है। जी हाँ, इस बार बात हो रही है आईपीएल 2025 की, जहां पर पहले खबरें निकल कर आई थी कि हो सकता है वो केकेआर की तरफ जुड़ जाएं, केकेआर से गौतम गंभीर आए, उनकी जगह पर रिप्लेस करते हुए राहुल द्रविड़ चले जाएं। लेकिन एक नई टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट निकलकर सामने आई, जिसमें साफ तौर पर लिखा है आईपीएल 2025 के लिए राहुल द्रविड़ की राजस्थान रॉयल्स के साथ बातचीत चल रही है। वही राजस्थान रॉयल्स जिसके लिए कप्तानी भी करते थे, खेलते थे, फिर उसके लिए 2 साल तक मेंटोरशिप भी वहां पर राहुल द्रविड़ ने निभाई है, फिर से एक बार अपनी पुरानी टीम की तरफ जा सकते हैं। 2025 का जो आईपीएल है उसमें हमें राहुल द्रविड़ फिर से एक बार हेड कोच की भूमिका में देख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। अभी अगर करंटली बात की जाए राजस्थान रॉयल्स की, तो वहां पर उनके जो क्रिकेट के डायरेक्टर हैं वो कुमार संगकारा हैं। इस पर अब तक क्लैरिटी नहीं है कि अगर राहुल द्रविड़ ज्वाइन करते हैं तो क्या कुमार संगकारा के रोल को फिर से एक बार वहां पर कंटिन्यू किया जाएगा या फिर पूरी जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ को दे दी जाएगी। हालांकि फिलहाल अभी रिपोर्ट्स हैं, कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अगर रिपोर्ट्स की माने तो आईपीएल 2025 में लगभग बातचीत काफी हद तक हो चुकी है और राहुल द्रविड़ फिर से एक बार हेड कोच की भूमिका में दिख सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। 2008 में पहली बार आईपीएल जीता था राजस्थान ने, उसके बाद से आज तक एक भी आईपीएल सीजन जीत नहीं पाई है। इस टीम को जरूर एक आईपीएल टाइटल की जरूरत है, राहुल द्रविड़ को उसके लिए याद किया गया है। T20 वर्ल्ड कप चैंपियन राहुल द्रविड़, जिनके कार्यकाल में हमने देखा ICC टूर्नामेंट अब तक कोई आया नहीं था, लेकिन जाते जाते जो उनका आखिरी ICC टूर्नामेंट था वो राहुल द्रविड़ जीत गए हैं। उनके कार्यकाल में हमने देखा कि टेस्ट में, वनडे में, T20 में भारत ने प्रदर्शन शानदार किया है, तीनों ही फॉर्मेट में नंबर 1 की रैंकिंग भारत ने प्राप्त की है। लेकिन उसके बावजूद ICC टाइटल जो नहीं आया था वो भी अब उनके नाम लग गया है, यानी कि पूरी तरीके से एक कंप्लीट टेन्योर वहां पर राहुल द्रविड़ का कहा गया है। वैसे उम्मीद की जाएगी यहां पर राजस्थान रॉयल्स से भी, राजस्थान रॉयल्स भी चाहेंगे कि भाई 2008 के बाद से जो आज तक टाइटल नहीं जीते हैं राहुल द्रविड़ की कोचिंग में, हमें फिर से एक बार आईपीएल का टाइटल हासिल हो। संजू सैमसन उनके कैप्टन है, ये टीम पिछले 2 से 3 साल से लगातार अच्छा खेल रही है, लेकिन आईपीएल का टाइटल अपने नाम नहीं कर पाई है। आईपीएल 2025 में अगर राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ते हैं, उम्मीद होगी एक बार फिर से आईपीएल के चैंपियन बनने की।